हेलो दोस्तों, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वह है सर्पदंश और उससे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ, या मैं कहूँगा कि भ्रांति भी नहीं। देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने होंगे जहाँ पर सांप काटे के केसेस में उन्होंने बताया कि हमें झाड़ फूँक की और ठीक हो गए। बिच्छू काटने पर भी इस्तेमाल होती है झाड़ फूँक, और डॉग बाइट में भी भारत में बहुत बार झाड़ फूँक इस्तेमाल होती है। साथ ही साथ में कुछ तरीके आपने देखे होंगे, फिल्मों में देखे या सुने हैं, जैसे कि, और आप में से बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगता है कि ये फ़ायदेमंद है। जैसे कि किसी फिल्म में आपने देखा होगा कि हीरोइन हीरो को सांप काट देता है और हीरोइन उसका जहर चूस चूस कर उसे बचा लेती है और खुद को लैप्स हो जाती है, होता है सर? साथ ही साथ में हम में से बहुत सारे लोग बांध देते हैं, जब कभी सांप काटता है तो बहुत तेज़ बांध देते हैं, और क्योंकि ऐसे मरीज हम लोगों के पास आते रहते हैं। साथ में एक और मेथड होता है, वहाँ पर कट करके खून को निकाल दिया जाता है। तो आज मैं आपको कुछ एक एक पहले दावा कर देता हूँ। पहले तो दावा यह है कि 10 में से 9 लोगों को कहीं भी भारत में या विश्व में कहीं भी सांप काटे, आप मुझे फ़ोन करिए, 10 में से 9 लोगों को मैं फ़ोन पर ही बचा लूँगा, और एक को जिसे इलाज की ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा कि ये फ़ोन पर नहीं बचेगा, जो कि झाड़ फूँक वाले अक्सर नहीं बता पाते। तो मुझसे कारगर झाड़ फूँक कौन करेगा, तो मुझे फ़ोन करवाना। बट मैं सोचता हूँ कि कितने लोग मुझे फ़ोन कर पाएंगे और मैं कितनों के उठा पाऊँगा। तो क्यों ना आप सबको आज मैं झाड़ फूँक सिखा देता हूँ सर्पदंश में। तो झाड़ फूँक मैं सिखाऊँ, वीडियो के को अंत तक सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ सर्पदंश के। भारत में 3 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, कोबरा, क्रेट एंड वाइपर। ये 3 प्रमुख प्रकार हैं। कोबरा और क्रेट का जहर एक सा है, जिसको न्यूरोटॉक्सिक जहर बोलते हैं, जो कि हमारी नर्व्स, हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से ज़्यादातर मृत्यु होती है, क्योंकि मांसपेशियां सारी शिथिल पड़ जाती हैं और उसकी वजह से उसकी आंखें झुक जाती हैं, गुटक नहीं पाता तो सलाइवा आने लगता है, और लिथार्जिक सा हो जाता है, बहुत डल हो जाता है, और अंत में सांस में दिक्कत होने से उसकी मृत्यु होती है, यदि इलाज ना मिले तो। तीसरा जो वाइपर मैंने बताया, वाइपर हीमोटॉक्सिक वैरायटी का होता है। हीमोटॉक्सिक में क्या होता है कि वो खून के जमने की प्रक्रिया को खराब कर देता है, जिससे कि कहीं से भी रक्तस्राव ब्लीडिंग हो सकती है शरीर में, जैसे ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाना, किडनी में ब्लीडिंग हो जाना, या किडनी इसका खराब हो जाना। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के सर्प हैं, और 2 प्रकार के मुख्यतः जहर हैं, हीमोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक। समुद्री जहरों जो सांप होते हैं उनमें एक मायोटॉक्सिक और होता है, जिसमें कि इंटेंस मसल पेन होता है, बट ज़्यादातर उसमें डेथ नहीं होती। तो समुद्री एरिया में हम में से बहुत सारे लोग नहीं रहते, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ आज। तो अब मैं आता हूँ कोबरा और क्रेट में से। क्रेट है ना, जो वो छोटा सा काला सा सांप है, जबकि कोबरा तो आपने देखा फन वाला बड़ा सा। क्रेट बाइट ज़्यादा कॉमन होती है शहरी क्षेत्रों में और गाँव में भी, खासकर जब नीचे लोग सोते हैं, तो ये रात के समय में घर में आता है, और ऐसा कहते हैं कि इसको ह्यूमन फेरोमोन्स पसंद होते हैं, इसलिए ये ह्यूमंस घरों में आ जाता है या खेतों में भी रहता है। तो वो वहाँ पर या तो खेतों में, झाड़ियों में या घर में, यदि आप नीचे सो रहे हैं तो काट सकता है। और इसका सबसे ख़राब पार्ट यह है कि कोबरा बाइट की तुलना में या वाइपर की तुलना में क्रेट बाइट का ना तो दर्द होता है, ना ही ये सूजन लाता है, और इनिशियली व्यक्ति को नहीं समझ आता कि क्या हुआ। वो सोचते हैं कि या तो कोई इंसेक्ट ने काट दिया, किसी कीड़े ने काट दिया, या चूहे ने, या छछूंदर ने। मैं ऐसा केस देख चुका हूँ जब मैं एम्स में दिल्ली में था, सफदरजंग हॉस्पिटल में 2 बच्चे एक साथ भाई बहन पहुँचे, और उन्होंने बताया कि चूहे ने काटा। वहाँ जूनियर डॉक्टर रात को करीब 2 बजे ड्यूटी पर था, उन्होंने, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला चूहे ने काटा, उसको कोई लक्षण नहीं थे भाई बहनों को उस वक्त, उसने देखा और कुछ दवाएं लिखकर भेज दिया। लेकिन 2-3 घंटे के बाद वो एम्स में, मैं जब ड्यूटी पर था, मेरे पास दोनों भाई बहन आए, और एक की डेथ हो चुकी थी और एक बेहद गंभीर हालत में था। तो क्रेट बाइट के लक्षण जो हैं, लक्षण से पहचाना जाता है, ऊपरी तौर पे कई बार कुछ भी नहीं मिलता। कोबरा बाइट में भी सिमिलर लक्षण होते हैं, लेकिन दर्द हो सकता है, साथ में सूजन भी हो सकती है, और कोबरा में जहर की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन क्रेट का जहर भी बहुत जहरीला होता है। फॉर्चुनेटली दोनों का ही बहुत ही इफेक्टिव इलाज है, इस पर मैं बाद में बात करूँगा।
और वाइपर बाइट जो है, वाइपर बाइट जब भी जहां काटेगा वहां काफी सूजन आएगी, सूजन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, काफी दर्द होगा उस जगह पर, ब्लीडिंग होगी और लेट स्टेजेस में कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है या किडनी फेलियर हो सकता है। तो अब मैं आता हूं वो सिखाने जो कि आप जिसके लिए ये वीडियो सुन रहे हैं, वह ये कि झाड़ फूंक से हम 10 में से 9 लोगों को कैसे ठीक करें। तो वो ऐसे ठीक करें कि एक और मैं बताता हूं कि जितने लोग मृत्यु होती है ना सर्पदंश में जहर से, उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु सर्पदंश में होती है घबराहट से, कोलेप्स हो जाने से, घबराहट की वजह से। तो झाड़ फूंक जो है ना उसमें होता क्या है कि 10 में से 9 सर्पदंश नॉन पॉइजनस पॉइजनस स्नेक से होते हैं, या पॉइजनस स्नेक में भी बाइट हुआ लेकिन वो पॉइजन पहुंच नहीं पाया। और 90% प्रजातियां भारत में पाए जाने वाले सांपों की ऐसी हैं जो कि जहरीली नहीं है। तो क्योंकि हमारे मन में सांप को लेके बहुत डर बचपन से ही भरा होता है, तो उसकी वजह से हम हर सांप के बाइट को जहरीला मान लेते हैं, और जैसे ही सांप हमसे लिपटता है या काट देता है घबराहट में मृत्यु हो सकती है। तो झाड़ फूंक के केसेस में जिनको भरोसा है परिवार को, उस व्यक्ति को, कि हम झाड़ फूंक वाले के पास गए, वो घबराहट कम हो जाती कि मेरा कुछ इलाज हो रहा है और वो बच सकता है। साथ ही साथ में जिनको घबराहट नहीं हो रही है वो भी 10 में से 9 लोग बच जाएंगे क्योंकि उनको जहर था ही नहीं, लेकिन वो 10 में से 1 व्यक्ति जिसको जहर था झाड़ फूंक के बावजूद गंभीर होता जाएगा और इलाज नहीं मिला तो मृत्यु हो जाएगी। समझा? तो झाड़ फूंक के लिए अब चंटू बंटू जो बच्चों के नाम हो या किसी फिल्मों का नाम, कजरारे कजरारे चाहे जो गाना हो वो गाइए, 10 में से 9 लोगों में वो झाड़ फूंक असर करेगी क्योंकि उनमें जहर था ही नहीं, लेकिन जिसमें जहर हुआ वो तो गया। तो झाड़ फूंक वालों को दरअसल ये नहीं पता होता कि उन 10 में से कौन सा एक, जो 10 केसेस उनके पास आए कौन सा एक है जिसको तुरंत इलाज की जरूरत है। इसलिए मैं कहूंगा भारत के लोगों से कि यदि सर्पदंश हो तो सीधे अस्पताल लेकर जाएं, यदि झाड़ना ही है किसी भी चीज से तो वो हम डॉक्टर से झाड़ देंगे, लेकिन 10 में से वो जो एक व्यक्ति है वो 10, जैसे आपको सर्प ने काटा या मुझे काटा, आपको क्यों बोलूं, चलिए मुझे काटा, तो मुझे तो नहीं पता होगा ना कि उस जहरीला वाला है या जहरीला नहीं, कुछ देर बाद लक्षण उत्पन्न होंगे, तो बेहतर यह है कि उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अब आते हैं बात हम उन फिल्मी तरीकों पर जहां पर आपको बहुत प्यार है जिसको काटा और आपने अपने दांतों से अपने ऊपर त्याग करते हुए उसका खून चूसना शुरू किया, इससे ना तो उसको फायदा होगा ना ही आपको, क्योंकि इससे ट्रीटमेंट डिले होता जाएगा और वहां जहां आपने काट दिया वहां अननेसेसरी आपने ब्लीडिंग व्लीडिंग करवा दी, इन्फेक्शन करवा दिया। ठीक है, तो यह सिर्फ फिल्मी तरीका है। करना क्या है, टाइट बांधना है? नो, मैंने देखे हैं ऐसे केसेस जहां टाइट बांधकर लोग लेकर आते हैं और फिर गैंग्रीन हो जाती है 5-6 घंटे में वहां ब्लड सप्लाई रुकने से, बिल्कुल गलत तरीका है। तो क्या वहां कट लगा के ब्लीड करवाना है? बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे पहले यदि सर्पदंश आप कहीं पर देखते हैं, पहले उस व्यक्ति को काम डाउन करिए, खुद काम रहिए, खुद शांत रहिए, हड़कंप मत मचाइए, जिससे कि हड़कंप से होने वाली, घबराहट से होने वाली मौत को पहले तो कम किया जा सके। दूसरा, उसको तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी करनी है। जब आप अस्पताल ले जा रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है वो यह कि उस बच्चे के हाथ या पैर या बड़े के जहां भी काटा है उसको आप स्टेबलाइज कर दें जिससे वो ज्यादा हिले डुले नहीं। ज्यादा हिलेगा डुलेगा यदि वो लिम तो जहर ज्यादा तेजी से बॉडी में पहुंचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे की कॉपी यूज कर लेता हूं, यहां पर किसी को जहर काट दिया, एक कार्डबोर्ड या कोई भी हार्ड सी चीज से इसको यहां पर बांध दीजिए। क्लियर है? इसको बांध दिया और ये बांध दिया आपने तो ये स्टेबल रहेगा हाथ। तो इस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट कीजिए नियरेस्ट अस्पताल में। डॉक्टर्स क्या करते हैं वहां पर, करते हैं एंटी स्नेक वेनम नाम का, जो सांप के जहर को काटने का इंजेक्शन होता है जो कि सब में नहीं लगाया जाता। यदि उसे कुछ क्राइटेरिया हैं, यदि हमें लगता है कि जहर खतरनाक है या डेथ हो सकती है या ऑर्गन डैमेज हो सकता है, तब हम उसको जाकर एएसवी लगाते हैं, क्योंकि एएसवी लगाने में भी 10% लोगों की मृत्यु हो सकती है उसकी एनाफाइलेक्सिस से। इसलिए एएसवी कहीं भी नहीं लगाया जा सकता। लोग ऐसा जिद करने लगते हैं कि एएसवी को लगा ही दे डॉक्टर, तो कहीं भी नहीं लगाया जा सकता। उसका प्रोटोकॉल है, उसका नॉलेज होना चाहिए और उससे रिएक्शन ना हो इसकी,
व्यवस्था होना चाहिए, या रिएक्शन हो जाए तो उसका मैनेजमेंट करना वो डॉक्टर को या उस सेटअप को आना चाहिए। तो ASV जो है भारत में जो मिलते हैं, चारों तरह के प्रकार के जहर को काटने वाला ASV है। मेरे अपने करियर में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि अपनी तारीफ चाहता हूँ या मेरे सेटअप की तारीफ, जो हमें मेडिकल कॉलेज में, सरकारी हॉस्पिटल में जो मेरे पास बच्चे आते हैं, ये इसलिए कि मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इलाज से कोई भी बच्चा मेरे पास यदि थोड़ी भी ठीक ठाक स्थिति में आ गया, लेट भी आया, 4 घंटे बाद भी आया, बट सांसें वगैरह हैं, तो भी हम उसको 100% चांस से बचा लेते हैं। मेरे मेरे अपने करियर में डेथ स्नेक बाइट से नहीं हुई, यदि वो समय पर लाया गया तो। स्नेक बाइट को हम ठीक कर सकते हैं, और स्नेक बाइट से रिलेटेड भ्रांति को मैं चाहूँगा कि आप लोग वर्बली लोगों को बताएं, जैसे किस्से कहानियाँ झाड़ फूक के बहुत सारे बना दिए जाते हैं ना, आप ये सच के बनाएं। सच को स्थापित करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है, और झूठ देखे कितनी आसानी से स्थापित हो जाता है गाँव गाँव जगह जगह। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से, मदद कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन नीचे जो मेरी फ़ोटो आती है नीली वाली, उसको दबाएंगे तो सब्सक्रिप्शन आएगा, या नीचे एक रेड कलर का मार्क होता है, जो लोग नए हैं यूट्यूब में उनके लिए बता दूं। और अन्य वीडियोस भी आप इस चैनल के देख सकते हैं। जल्द ही मैं अन्य डॉक्टर्स को इस वीडियो पर लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें साइकेट्रिस्ट, एक जाने माने साइकेट्रिस्ट से मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ से कुछ विषयों पर आप की वार्तालाप करवाऊंगा, साथ ही गायनेकोलॉजिस्ट जिससे कि स्त्री रोगों से संबंधित जानकारियाँ आपको मिल सकें, और अन्य डॉक्टर्स जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर द्वारा घरेलू नुस्खे तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के द्वारा हो तो कितना अच्छा होगा। सो यदि ये मुहिम आपको अच्छी लगती है तो मुझे मदद करें। अंत में वही नारा आप सबके साथ साथ बोलूँगा, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। थैंक यू वेरी मच।